नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जियोपस प्लस के एक न्यू अपडेट के बारे में। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है कस्टमर के लिए सिम एक्टिवेशन करने के लिए और MNP करने के लिए, तो यहां पर जियोपस प्लस में एक न्यू अपडेट आ चुका है जिसमें कस्टमर का फेस स्कैन करके ही उसका न्यू सिम एक्टिवेशन और MNP कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका सिम चालू करने के लिए आपको अपने जियोपस प्लस को अपने मोबाइल पर अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको किसी कस्टमर का अगर न्यू सिम चालू करना है तो आपको यहाँ eKYC पर क्लिक करना है। eKYC पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका कुछ इस तरह का एरर आता है, आधार री वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर eKYC ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसको आपको सही करने के लिए आपको सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद अगर इस तरह से भी नहीं आता आपका, तो सिंपली आपको फिर से आपको यहां बैक आना है। उसके बाद आपको यहां ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहां सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां आधार री वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपका आधार नंबर शो हो जाएगा 4 डिजिट लास्ट का। उसके बाद आपको यहां पर वैलिडेट आधार पर क्लिक करना है। वैलिडेट आधार पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, एक बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है और एक फेस ऑथेंटिकेशन का। तो यहां पर अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो फेस ऑथेंटिकेशन करके ही पर आधार री वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहां फेस ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आई एग्री एंड कैप्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना फेस को दिखाना है, बढ़िया से आपको यहां पर अपना फेस को दिखाना है और आंख को ब्लिंक करना है, तभी यहां पर यहां फोटो कैप्चर कर पाएगा, मतलब आपका फेस ऑथेंटिकेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद आपका यहां पर आधार eKYC सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहां प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन आपका जो सक्सेसफुली हो चुका है, सक्सेसफुली वैलिडेट एंड सबमिटेड आधार डिटेल्स। उसके बाद सिंपली आपको यहां ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपका लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने जियोपस प्लस को दोबारा अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। आपका जियोपस प्लस लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद eKYC पर जैसे क्लिक करेंगे तो eKYC का ऑप्शन यहां पर खुल जाएगा। उसके बाद यहां पर क्लिक करके आपको यहां मोबिलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद डन पर क्लिक करना है। डन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहां पर बायोमेट्रिक से सिम चालू करने का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन करके यहां पर सिम चालू करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब आपके पास अगर फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो सिंपली आप कस्टमर का फेस स्कैन करके ही उसका सिम एक्टिवेशन कर सकते हैं और आगे जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपका सेम रहेगा, जो आप फिंगरप्रिंट से लेके करके करते थे उसी तरह आप कस्टमर का फेस स्कैन करके ही कर सकते हैं। अगर आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए कि किसी कस्टमर का फेस स्कैन करके उसका न्यू सिम एक्टिवेशन कैसे करेंगे, आप हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको कंप्लीट वीडियो बना के देंगे। और ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए, आगे भी इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।